अरे ओ किसान भाइयों, आप लोग खेतों की तरफ जाते जाते अचानक वापस क्यों मुड़ के चले? क्या कारण है हमें बताएं। क्षमा करें महाराज, आप निसंतान हैं और आपको देखकर अपशगुन का विचार करके हम खेत जोते बिना घर वापस जा रहे हैं। कहते हैं बांझ यानी निसंतान को यदि देख ले तो कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमें ये पूरा शक है कि आज आपके दर्शन करके हम खेती करेंगे तो अवश्य ही अकाल की संभावना है, इसलिए हम वापस घर जा रहे हैं। क्या निसंतान होने का इतना बड़ा दोष है? महाराज हमारा अपराध क्षमा करें। चलो भाई चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो, चलो। स्वामी आप दुखी न हो, मेरी बात मानिए। आप काशी जाकर भोलेनाथ के दर्शन करें, उनके दर्शन से आपके कष्टों का अवश्य ही निवारण होगा। तुम ठीक कहती हो महारानी, हम काशीनाथ के दर्शन करने अवश्य ही जाएंगे और भोलेनाथ को अपनी सारी व्यथा सुनाएंगे। सुनो रानी, हम द्वारकानाथ के दर्शन को जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा तुम द्वारका जी के दर्शन करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हे स्वामी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी।
द्वारका जी के दर्शन करने के लिए। हे महाराज, आपका ये सेवक भी अपुत्र है, कृपया द्वारकाधीश से मेरी भी अर्जी लगा देना और ये थोड़े से चावल मेरी तरफ से श्री द्वारका जी को भेंट स्वरूप दे देना। ठीक है, लाओ अपना ही प्रसाद, मैं द्वारका जी पर अवश्य भोग चढ़ा दूंगा, तुम्हारी व्यथा मैं उन्हें सुना दूंगा। हे राजन, ये द्वारकानाथ का पावन मंदिर है, यहाँ सब एक समान है, चाहे राजा हो या रंक। ये द्वारकाधीश तीनों लोकों के महाराजा हैं, इनसे बड़ा कोई राजा नहीं। यहाँ आप एक भक्त की तरह ही दर्शन करें। मेरी भूल को क्षमा करें पुजारी जी, मैं तो इस नाथ की धुन में ऐसा खो गया कि मुझे मंदिर की मर्यादा का ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा राजन, अब आप द्वारकानाथ के दर्शन करें। Oh!
अरे तू क्या पागल हो गया है राजा? तू भगवान के श्री विग्रह मस्तक पर लड्डू फेंक के क्यों मार रहा है? छोड़ दो मुझे, आज मुझे स्वामी से पूरी बात करने दो। मैं इस मूर्ति स्वरूप भगवान को बोलने के लिए विवश कर दूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। आखिर महाराज आप चाहते क्या हैं? मुझे यहां द्वारका नाथ के आगे अपनी व्यथा सुनानी है। मुझे अपने भाग्य का फैसला करना है। उसके लिए महाराज आपको सोने की द्वारका में जाना पड़ेगा। आजकल द्वारका नाथ वहां निवास करते हैं। ये सोने की द्वारका कहाँ है पुजारी जी, हमें बताओ। महाराज वो समुद्र के अंदर है, प्रभु वहीं मिलेंगे। आओ भक्त अजमल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं ही हूं तुम्हारा मित्र द्वारका नाथ। मैं धन्य हो गया प्रभु आपको पाके। हाँ, परंतु प्रभु मुझे आप ये बताएं, आपके माथे पर ये पट्टी क्यों बंधी है जो खून से लथपथ है? भक्त राज, मृत्यु लोक में एक भक्त ने प्रसाद के लड्डू को मेरे सिर पर, मेरे यहां चोट लगी है जिससे रक्त प्रवाह हो रहा है और दर्द भी, इसीलिए ये पट्टी बांधी हुई है। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ये लड्डू मैंने आपको मारा था, मुझसे भूल हो गई प्रभु, क्षमा करो प्रभु। भक्त तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, मैं तुम्हारे पुकारने पर बोला नहीं। कोई कार्य शुभ हो ना पाए, तू जा कारण सुनो प्रभु जी,
हे अजमल, तुम भक्त सायर से भी कह देना कि तेरे घर भी एक होनहार पुत्र का जन्म होगा, किंतु उसके बाद एक भक्त कन्या के जन्म से तुम्हें वस्तुतः संतान सुख होगा। प्रभु, आपने मुझे भी पुत्र का वरदान दिया है और भक्त साहिब को भी पुत्र का वर दिया है, तो प्रभु आपके अवतार का प्रमाण कैसे ज्ञात होगा कि हम दोनों में से किसके यहां आपका यानी द्वारकाधीश का अवतार हुआ है? मेरा यह संशय दूर कीजिए प्रभु। ये मोती पुष्प तुम ले जाओ, ये मेरे अद्वितीय शक्ति अंश है, तुम्हें अपने होने वाले पुत्र के साथ रखने के लिए देता। साथ ही ये चार निशानियां और लेते जाओ, इन्हें संभाल कर रखना। मैं बहुत प्रसन्न हूं, श्री द्वारका नाथ के आशीर्वाद से तुम शीघ्र ही मां बनोगी। हे स्वामी, आपकी खुशी नहीं मेरी खुशी है। अब आप ब्राह्मणों को भोजन एवं गरीबों को दान करें, प्रभु द्वारकाधीश हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। I know।
महाराज की जय हो। क्या बात है सायर, कहो सब कुशल से तो है? महाराज मेरे घर में पुत्र हुआ है, परंतु कुछ अजीब सा हो रहा है। मेरे घर के बर्तन स्वतः ही बजने लगे हैं, शंख भी बिना बजाए बजने लगा। मुझे तो डर है कि कहीं वो भैरव राक्षस का ही यह अशुभ नहीं हो। सायर तुम उस बच्चे को मुझे सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। ये बात केवल तुम्हें और मुझे ही पता रहे। मैं मेघवंशी हूं, मेरे यहां जन्मे बच्चे को आपके पालने में कौन स्थान देगा? सायर तुम जैसा मैंने कहा वही करो। अरे अरे महाराज, ये बालक तो होनहार है। देखो चूल्हे पर दूध उफलने लगा तो इसने उंगली के इशारे से ही उसे रोक दिया। महारानी ये बालक कोई मामूली बालक नहीं है। चलो पंडित से इसकी जन्म कुंडली दिखा के इसका नामकरण कराएं। कष्ट मिटाए पंडित ने फिर सोच समझ के रामदेव रख
देखो, मैं आपके बालक के लिए ये सुंदर कपड़े का बना हुआ घोड़ा लाया हूँ। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। इस घोड़े पर तो मेरा लाल ही बैठेगा। ये लो दर्जी, अपना इनाम ले जाओ। महारानी की जय बनी रहे, महारानी की जय बनी रहे। महारानी जी, महारानी जी, कुंवर महलों के चौक में कपड़े के घोड़े से खेल रहे हैं। मेरा रामा, मेरा रामदेव आ गया। कहाँ है? आजा मेरे बेटे, मेरी गोद में आजा। महाराज, देखो, देखो मेरा रामा आ गया। इधर लाओ मेरे रामा को आज। मेरे कुंवर मेरे पास आ। सिपाहियों, उस दर्जी को छोड़ दो, उसे आजाद कर दो। हे रामदेव प्रभु, ऐसा दुख देने को क्या मैं ही मिला था आपको? वो नया कपड़ा दिया था माने, और तुमने पुराने चितड़े का घोड़ा बनाकर मुझे दिया, इसलिए तुम्हें ये दंड मिला है। ¡Gracias!
देखो बेटा रामदेव, घर से ज्यादा दूर नहीं खेलना, यहाँ भैरू राक्षस का भय है, यहीं पर खेलना। माता मैं तेरी बात का ध्यान रखूंगा, मैं शीघ्र ही खेलकर घर वापस आ जाऊंगा। हे बाल कुमार, तुम कौन हो और इस जंगल में इतने रात को क्यों आए हो? मैं अजमल कुमार रामदेव हूँ स्वामी, मेरी यहाँ पर खेलते समय गेंद तो नहीं आई, मैं गेंद ढूंढने आया हूँ। यहाँ तेरी गेंद नहीं है, तू यहाँ से भाग जा, और तेरे प्राणों का खतरा है, यहाँ भैरू राक्षस रहता है। मैं एक क्षत्रिय कुल का सेवक हूँ, भाग जाऊंगा तो मेरे कुल को कलंक लग जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, रात्रि के बाद भोर होते ही चला जाऊंगा। अच्छा, तेरी यही इच्छा है, तो लो ये गुदड़ी उठकर अंदर छुप जाओ, राक्षस आए तो बोलना नहीं। आधी रात के बाद में देखो हूँ भयंकर, गुरु के आश्रम गया है, आए बालकनाथ से आकर पूछे, हे गुरुवर हम देव बताए, मानव की मुझे गंध आ रही, उसको खाकर भूख मिटाए, बोले बालकनाथ है दानव, यहाँ कोई ना है इंसान, मानव रूप में मेरा पुतला, चाहे मेरी ले ले जाए।
नाथ, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा करें। मैं आपके गुरु बालकनाथ का ही शिष्य था, परंतु धर्म पथ से भटक गया, मुझे क्षमा करें। मैं आपका गुरु भाई हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे मत मारो। नहीं, तुझे यमलोक पहुंचाना ही हितकर होगा, तू जीवित रहा तो उपद्रव मचाएगा। सुनो मेरे प्यारे पुत्रों, मैं वृद्धावस्था में आ गया हूं, इसलिए पोकरण का युवराज पद वीरमदेव को देता हूं, ये उसे संभालेंगे। और रामदेव, तुमको मैं रुणीचा एवं उंडू कश्मीर की जिम्मेदारी देता हूं। आज से रामदेव जन जन का कल्याण करेंगे, मेरी की हुई वसीयत हमेशा काम आवे। हे पिताश्री, मैं प्रजा का हमेशा ही हितेशी हूँ, आपकी नसीहत का पूरा मान रखूंगा। मैं पोकरण की देखभाल में कोई कमी नहीं रखूंगा। शोभा क्या
हे प्रभु, तूने मुझे भाग्य को संतान देकर धन्य कर दिया। सुनो देवी, इसका पालन पोषण अच्छी तरह करना। प्रभु, आप चिंता न करें, मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला है। मैं इस कन्या को पाके धन्य हो गई। विवाह की शुभ बेला में तुम्हारी आंखों में आंसू। मुझे बताओ मां, क्या अपराध है मेरा? या किसी ने कुछ कह दिया हो तो अभी दंड देता हूं। मां बोल, बोल मां। शादी में सब आए पर तेरी बहन सुगना नहीं आई। पता नहीं उसके ससुराल तेरी विवाह पत्रिका पहुंची या नहीं। उसके दो दो भाई वीरम और रामदेव भी मेरी बेटी सुगना को न ला सके। मैं सुगना को लेने पुंगलगढ़ जा रहा हूँ माँ। नहीं बेटा, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा माँ, मैं रत्ना रायका को भेज देता हूँ, वो सुगना बहन को ले आएगा। ठीक है।
बहू, मेरे बेटों के प्राण बचा ले अपने भाई से। रामदेव ने सबको मार गिराया। बहू, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, मेरे बेटों को जीवन दान दे दे, बचा ले मेरे बेटों को, बचा ले। क्यों, कहाँ गई तुम्हारी रजपूती और वीरता? मेरे भाई रामदेव को तुच्छ समझ के ललकारा था, देख लिया परिणाम। बहू, मेरी और मेरे बेटों की भूल क्षमा करो, रामदेव को समझा दो, सारा घर उजड़ जाएगा। भैया, मेरे पति को मत मारो, दया करो भैया, दया करो। अच्छा बहन, तू कहती है तो सबको क्षमा करता हूँ, तू शीघ्र रुणे चा आ जाना, मेरा विवाह है, मैं चलता हूँ, माँ मेरा इंतजार करती होगी। क्या है? अगर इस बालक को मिश्री बताऊंगा तो खाने को मांगेगा। सुनो बालक, इसमें नमक भर के लाया हूं। तेरी वाणी सत्य हो, इन बोरियों में नमक ही हो। अच्छा जाओ बंजारे, जाओ।